नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बरेली जिले में रामपुर से सांसद व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आसम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आसम खान को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि देशद्रोहियों के नाम से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। साध्वी प्राची ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी टूटनी चाहिए। बता दी कि साध्वी प्राची शनिवार को बरेली पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि आप लोगों को खुशखबरी दे रही हूं कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी सरकार दो बच्चों का कानून लाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बरेली में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची साध्वी प्राची ने गाना भी गाया। इस दौरान साध्वी प्राची ने आसम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि देशद्रोहियों के नाम पर हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही यूनिवर्सिटी चलेगी, देशद्रोहियों के नाम से नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।